हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोटेंशियल स्टेप के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया है पोटेंशियल स्टेप, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल एक स्टेप के जैसा लेके चलेंगे हम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक स्टेप के जैसा एक पोटेंशियल ले लिया। ठीक है, पोटेंशियल हमने बोल दिया यहाँ पे V नोट, और ये अपने पास क्या है V ऑफ x है, और ये जो पोटेंशियल है वो किस एक्सिस में है, x एक्सिस में हमने पोटेंशियल बोल दिया। तो पोटेंशियल स्टेप का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम जो पोटेंशियल लेके चलेंगे वो एक स्टेप के जैसा पोटेंशियल लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया रीजन फर्स्ट है, और ये अपने पास रीजन सेकेंड है। रीजन जो सेकंड है वो कहां तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, इसको हम यहां पे हमने बोल दिया जीरो। अब ये कोई अपने पास एक पार्टिकल आ रहा है और उस पार्टिकल की एनर्जी हमने क्या बोल दी, ई बोल। ठीक है, अब अगर मैं रीजन फर्स्ट की बात करूं तो रीजन फर्स्ट में अपने पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना पोटेंशियल होगा, वी इक्वल टू जीरो पोटेंशियल होगा। रीजन सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे रीजन सेकंड में पोटेंशियल कितना है, वी नॉट, तो वी इक्वल टू हमने रीजन सेकंड में पोटेंशियल वी नॉट ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे पार्टिकल अपने पास बाउंड होगा या फिर अनबाउंड होगा दोनों रीजन के अंदर, तो बात कर लेते हैं। अगर मैं रीजन फर्स्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल जीरो है, अगर पोटेंशियल जीरो है तो मैं बोल सकता हूँ फ्री पार्टिकल है, और फ्री पार्टिकल है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रीजन फर्स्ट के अंदर ऐसा कोई भी पोटेंशियल नहीं है जो उस पार्टिकल को बाउंड कर पाए। अगर पार्टिकल बाउंड नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनबाउंड पार्टिकल। और अनबाउंड पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस एनर्जी होती है। ठीक है, और रीजन फर्स्ट से पार्टिकल कहाँ पे आएगा, रीजन सेकंड के अंदर आएगा। ठीक है, तो रीजन सेकंड में क्या है, अपने पास एक बैरियर है, ठीक है, एक पोटेंशियल है। अब रीजन सेकंड की भी अगर मैं बात करूं तो रीजन सेकंड में अपने पास फाइनाइट पोटेंशियल है या एक फाइनाइट बैरियर है, तो रीजन सेकंड में भी ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है जो इस पार्टिकल को बाउंड कर पाए। जैसे हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के अंदर देखा था, हमने एक बॉक्स लिया था जिसकी डेप्थ कितना थी, इनफाइनाइट थी। अब पार्टिकल को इसके अंदर रख दिया तो पार्टिकल की इससे बाहर निकलने के चांस क्या है, जीरो, क्योंकि इसकी डेप्थ कितना है, इनफाइनाइट है, तो पार्टिकल इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब अगर पार्टिकल इससे बाहर नहीं निकल पाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पार्टिकल इस वेल के अंदर क्या बाउंड है। अब जब पार्टिकल बाउंड होता है तो उस पार्टिकल की एनर्जी होती है क्वांटाइज। ठीक है, और जब क्वांटाइज एनर्जी होती है तो एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। पर रीजन सेकंड की अगर बात करूं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पोटेंशियल नहीं है जो इस पार्टिकल को बाउंड कर पाए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रीजन सेकंड में भी पार्टिकल कैसा रहेगा, अनबाउंड रहेगा। और पार्टिकल अनबाउंड है तो उसकी एनर्जी कैसा रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी। अब कंटिन्यूस एनर्जी रहेगी तो हम यहाँ पे एनर्जी तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये पार्टिकल आएगा यहाँ से इस पोटेंशियल से टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो पार्टिकल इस पोटेंशियल से टकरा के वापस चला जाएगा, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि वो पार्टिकल आ रहा है, वो पार्टिकल इस पोटेंशियल को पेनिट्रेट करके रीजन सेकंड में आ जाएगा, या पार्टिकल उस रीजन उस पोटेंशियल को यहाँ से ट्रांसमिट करके किस में आ जाएगा, रीजन सेकंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो पोटेंशियल स्टेप है इसके बेसिकली दो केस रहने वाले हैं। तो दो केस कौन से हैं अपने पास, फर्स्ट केस तो ये है कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ज्यादा होगा किसी पार्टिकल की एनर्जी से, तो यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी कम है और पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, फर्स्ट केस तो अपने पास ये है। अब सेकंड केस क्या है कि इस पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगी, मतलब पार्टिकल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कोई, उसकी एनर्जी ये है। ठीक है, तो सेकंड केस ये रहेगा, जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी किससे, इसे पोटेंशियल से, इसको हम क्या बोलेंगे, केस सेकंड बोलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो अपने पास फर्स्ट केस है इसके ऊपर हम बात करेंगे, सेकंड केस में हम इसे अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। अब ये जो पोटेंशियल हमने यहाँ पे डिनोट किया है इसको मैथमेटिकली भी हम एक बार देख लेते हैं। मैथमेटिकली लिखेंगे तो अपने पास पोटेंशियल क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा वी ऑफ एक्स, मतलब पोटेंशियल किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो V of x equal to potential zero कब है? जब x zero से कम है, मतलब इस region की बात करूं तो यहाँ पे potential कितना है? Zero है। x से less than है किसे? Zero से, तब अपने पास potential कितना है? Zero है। उसके बाद second की बात करूं तो V not potential कब है? अपने पास V not potential है जब x greater than है किसे? Zero से।
ठीक है। तो आई होप आपको इसको इसका जो फिजिकल है, जो फिजिकल कंसेप्ट है या जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने पास ये जो पोटेंशियल आया है, इस पोटेंशियल को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट क्या है, अपने पास केस फर्स्ट में जो पोटेंशियल है ये ज्यादा है और पार्टिकल की एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। और रीजन फर्स्ट के लिए सोल्व करते हैं, तो रीजन फर्स्ट में क्या है, अपने पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो है। तो यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, अपने पास ये होती है कर्ली स्क्वायर साय बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m by h का स्क्वायर और e माइनस बी साई साई का आल्सो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने श्रोडिंगर जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो लिखे यहाँ पे। अब ये जो किसके लिए है, रीजन फर्स्ट के लिए, तो रीजन फर्स्ट में अपना जो वेव फंक्शन है उसको हमने क्या बोल दिया, साई वन बोल दिया। यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा वो कितना बोल दिया हमने, साई वन बोल दिया। यहाँ पे वेव फंक्शन को क्या बोल दिया हमने, साई टू बोल दिया, ठीक है। अब पोटेंशियल कितना है, रीजन फर्स्ट के अंदर जीरो पोटेंशियल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल की जगह जीरो पुट करूंगा तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m by h का स्क्वायर और ये e साथ में साई फर्स्ट और इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो। अब अपने पास क्या करते हैं, ये वाली जो कंप्लीट जो टर्म है इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। इसको हमने लिखा यहाँ पे कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो, और k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू हम लिख देंगे k स्क्वायर इक्वल टू 2m e by h का स्क्वायर। इस स्क्वायर को इस तरफ लेके आऊंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, अपने पास रूट आ जाएगा, ठीक है। ये जो k की वैल्यू आई है, इस k की वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये अपने पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसका यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे, इसका सॉल्यूशन ले लिया हमने, इट्स सॉल्यूशन लिया हमने साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू ए की पावर आईटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आईटा के एक्स, ये हमने इसका सॉल्यूशन लिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है ई की पावर आईटा के एक्स और यहाँ पे लिया है ई की पावर माइनस आईटा के एक्स। तो यहाँ पे ये जो e की पावर माइनस आईटा के एक्स है और ये जो e की पावर आईटा के एक्स है ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करके बताता है, यहाँ पे वेव वेक्टर पॉजिटिव है और यहाँ पे जो वेव वेक्टर k है ये क्या है, नेगेटिव है। तो वेव वेक्टर पॉजिटिव, k पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वेव पार्टिकल अपने पास इस तरफ आ रहा है, ठीक है, पार्टिकल इस तरफ आ रहा है पोटेंशियल की तरफ। ये किसका, ये है प्लस k का मतलब। अगर माइनस k का मतलब की अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल ठीक इस पोटेंशियल से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापिस जा रहा है। तो ये पार्ट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूं इंसिडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। और ये जो सेकंड वाला है बी ई की पावर माइनस आईटा के एक्स, ये किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है, यहां पे रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है, रिफ्लेक्टिव पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, रीजन सेकंड की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसको हमें बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका भी हम आगे यूज करेंगे। अब सेकंड रीजन के लिए जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी नोट है, इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है अपने पास, ये वाली, इसके अंदर डायरेक्ट वाली पुट कर देता हूँ। तो रीजन सेकंड और रीजन सेकंड में क्या है, अपने पास जो पोटेंशियल है वी नॉट, ये ग्रेटर देन है किसे, एनर्जी से, ठीक है। अब वी नॉट ज्यादा है तो इस वी की जगह क्या रखूंगा, मैं यहाँ पे वी नॉट रखूंगा, पर वी नॉट किससे बड़ा है, वी नॉट किससे बड़ा है, पार्टिकल की एनर्जी से। तो एक बार मैं एक मिसल लिख लेता हूँ, कर्ली स्क्वायर साई सेकंड लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेकंड रीजन में वेव फंक्शन को हमने कैसे लिखा है, साई सेकंड से लिखा है, डिवाइड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय h का स्क्वायर और e माइनस v साई सेकंड इक्वल टू
जीरो, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन का यूज करते हैं, बी की जगह क्या रखेंगे, बी नॉट और माइनस इसमें से कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो बड़ा है किसे, पार्टिकल की एनर्जी से, माइनस टू एम बी नॉट माइनस ई डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर और साइज सेकेंड इक्वल टू जीरो। ये जो कंप्लीट पैरामीटर है इसको मैं कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ, इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साइज सेकेंड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और साइज सेकेंड इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये फिर से अपने पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जो सॉल्यूशन लेके चलते हैं, इट्स सॉल्यूशन तो इसका जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे वो हम एक ऑक्सिलरी वेव सॉल्यूशन लेके चलेंगे, और सॉल्यूशन हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये हमने ले लिया साई सेकेंड इक्वल टू सी ए की पावर अल्फा डी प्लस डी ए की पावर माइनस अल्फा डी, ये वाला सॉल्यूशन हमने यहाँ पे इसका ले लिया, ये एक ऑक्सिलरी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैं रीजन सेकंड की अगर यहाँ पे बात करूँ तो रीजन सेकंड कहाँ तक फैला हुआ है, रीजन सेकंड इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अब अगर मैं रीजन सेकंड की बात करूँ तो रीजन सेकंड कहाँ तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। तो इनफाइनाइट पे अपना जो वेव फंक्शन है वो कितना होता है, इनफाइनाइट पे वेव फंक्शन अपना जीरो होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये आ जाएगा अपने पास जो साई सेकंड है ये एक्सटेंस एक्स रीजन कहां तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे अपना जो वेव फंक्शन है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो ये वाली जो लिमिट है मैं वो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं और यहां पे आएगा एक्स, ठीक है। अब ये कंडीशन यहां पे अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, साई सेकंड x tends to infinite equal to ये आ जाएगा, ये c e की पावर अल्फा x और x tends to कितना infinite, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस b e की पावर माइनस अल्फा x और x tends to infinite, ठीक है। अब x tends to infinite में यहाँ पे पुट करूंगा तो e की पावर infinite कितना हो जाएगी, जीरो, मतलब ये वाली जो टर्म है वो अपने को कितना देगी, जीरो दे देगी, ठीक है। अब क्या देगा, साई सेकंड और इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास, जीरो चल रहा है, साई सेकंड इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को, सी ए की पावर अल्फा एक्स और एक्स टेंस टू इनफाइनाइट में ये कितना है अपने पास, जीरो है, ठीक है। अब या तो ये जो e की पावर अल्फा एक्स है ये जीरो होगी या फिर जो c है वो जीरो के इक्वल होगा, तो e की पावर अल्फा एक्स तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि वेव फंक्शन ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो c इक्वल टू होगा कितना ले लिया, जीरो ले लिया, जो c इक्वल टू जीरो लिया इसको इक्वेशन बोल दिया स्मॉल a, ठीक है। अब ये जो a है c इक्वल टू जीरो इसको कहाँ पे पुट करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, जो हमने सॉल्यूशन लिया है इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। जब ये ए वाली इक्वेशन इक्वेशन 3 के अंदर पुट करता हूं तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिलेगा साई सेकंड इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो, ये मिलेगा डी ए की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये वाला अपने को वेव फंक्शन मिल जाएगा किसमें, सेकेंड रीजन के अंदर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन सेकंड है और ये वाली इक्वेशन इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं ध्यान से देखता हूं और इसको फिजिकली अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, a e की पावर आइटा के x, तो यहाँ पे वेव वेक्टर कैसा पॉजिटिव है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पार्टिकल है वो इस पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a की पावर माइनस आइटा के x, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल ठीक इस पोटेंशियल से टकरा के और ठीक उस तरफ जा रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फर्स्ट चांस तो ये है कि पार्टिकल आए इस पॉइंट से टकराए, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर पार्टिकल वापिस चला जाए,
ठीक है। सेकंड ये है कि पार्टिकल इस पोटेंशियल को पेनिट्रेट करके रीजन सेकंड के अंदर आ जाए, या फिर मैं बोल सकता हूँ पार्टिकल इस पोटेंशियल को ट्रांसमिट करके किसके अंदर आ जाए, रीजन सेकंड के अंदर आ जाए। तो ये वाला जो साई सेकंड है ये किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है, जो ट्रांसमिटेड पार्ट है ठीक है उसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है। तो साई सेकंड रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसमिटेड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। अब ये जो वेव फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियली क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे मैं इस वेव फंक्शन को अगर प्लॉट करूं, फिजिकली समझाने की कोशिश करूं, तो क्या होगा कि जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है वो अपने पास कैसा है, ऑसिलेटरी है। अब आगे अपने पास क्या है, बैरियर है। बैरियर से जैसे ही पार्टिकल आगे आएगा तो पार्टिकल एक्सपोनेंशियली इस टाइप से क्या होता जाएगा, डीके होता जाएगा। एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डीके होता चला जाएगा। मीन सेकंड रीजन में पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फिजिकली अगर समझना चाहे तो फिजिकली भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, ये एक बहुत बड़ा तालाब है ठीक है, जो इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि दो दोस्त है, ये अपने पास कोई दो दोस्त हैं ठीक है। अब एक दोस्त के मन में क्या आया, यहाँ पे आइडिया आया कि इस तालाब को तैर के पार किया जाए। जैसे ही आइडिया आया उसी टाइम इसने ड्रॉप कर दिया कि ये तो इम्पोसिबल है, क्योंकि तालाब क्या कितना फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, तो इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही पार्टिकल आया ठीक है, इसके मन में विचार आया, उसी टाइम इसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। पार्टिकल आया, इससे टकरा के चला गया, रिफ्लेक्ट करके चला गया ये आइडिया ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, इसने सोचा और बाद में उस जो आइडिया था उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो पार्टिकल आया, रिफ्लेक्ट करके वापस चला गया। अब ये जो सेकंड है ये बोला मैं ट्राई करके देखता हूँ ठीक है। अब जैसे ही ये इसके अंदर तैरना शुरू करेगा तो क्या होगा, इसकी धीरे धीरे एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा तो इस सेकंड पर्सन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट तक फैला हुआ कहीं ना कहीं पे जाके थक ही जाएगा ठीक है, थक जाएगा वहां पे डूब जाएगा। तो आगे मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। या फिर इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास दो बालू रेत के कट्टे हैं ठीक है, दो कट्टे हैं, कट्टों में बालू रेत डाल रखा है, और एक तरफ से मैंने बुलेट से फायर किया। तो जैसे ही ये मेरे पास क्या है, बालू रेत के कट्टे हैं, यहाँ से मैंने बुलेट से फायर किया, बुलेट को फायर किया, तो जैसे ही बुलेट आएगी तो जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगी तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आगे वाले रीजन में बुलेट के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ठीक है। तो यहाँ पे ये वेव फंक्शन यही रिप्रेजेंट करके बता रहा है, जैसे ही बैरियर को पेनिट्रेट करके ट्रांसमिट करके आगे आएगा तो उसके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये डायग्राम आपको यहीं पे रखना है, नोट करना है। अब यहाँ पे ये अलग अलग क्या रिप्रेजेंट करके बता रही है, इनको मैं एक बार लिख देता हूँ। जो a a की पावर आइटा के x है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a e की पावर आइटा के x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट पार्ट ठीक है। और जो ये सेकंड है b e की पावर आइटा के x, b e की पावर आइटा के x ये रिफ्लेक्टेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ठीक है। और d e की पावर माइनस अल्फा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d e की पावर माइनस अल्फा एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिटेड पार्ट ठीक है। और इनके आगे क्या लिख देता हूँ, वेव फंक्शन भी है तो ये साई फर्स्ट है, साई फर्स्ट है, इसके लिए इंसिडेंट लिख देता हूँ ठीक है। और इसके आगे क्या लिखता हूँ, साई फर्स्ट ही, पर ये क्या है रिफ्लेक्टेड, तो इसके आगे आर लिख देता हूँ, और साई सेकंड इसके नीचे ट्रांसमिटेड लिख देता हूँ ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए उसके बाद आगे बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, रीजन फर्स्ट से रीजन सेकंड के अंदर पार्टिकल फ्लो करके आ रहा है ठीक है।
मतलब पार्टिकल आ रहा है रीजन फर्स्ट से सेकंड में, मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टिकल का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जब भी पार्टिकल का फ्लो होता है तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर, फ्लो को किससे रिप्रेजेंट करके बताते हैं, हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से हम रिप्रेजेंट करके बताते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल का जो फ्लो है उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करके बताएंगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से रिप्रेजेंट करके बताएंगे। इंसिडेंट पार्ट के लिए हम अलग से लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अलग से लिखेंगे, और जो ट्रांसमिटेड पार्ट है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाउ वी आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, नाउ वी आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी because particle is flowing, और फ्लो को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे में यहां पे इसको डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो इंसिडेंट पार्ट के लिए लिखते हैं, इंसिडेंट पार्ट के लिए लिखेंगे तो एस आई डायरेक्ट रिजल्ट हम इसका यूज कर रहे हैं, पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर सके कर चुके हैं हम इसको, ये आ जाएगा एच एट के By M, और किसके लिए, इंसिडेंट के लिए रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या है A है, ये आ जाएगा A के मोड का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए है, इंसिडेंट के लिए। अगर मैं बात करूँ किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए, तो लिखूंगा मैं एस आर, ये आ जाएगा एच कट के बाय एम और B के मोड का स्क्वायर, ठीक है। रिफ्लेक्टेड में क्या है, यहाँ पे B है तो हमने B के मोड का स्क्वायर, और ट्रांसमिटेड के लिए अगर मैं लिखूं तो ये लिखा एक सेकेंड, ये आ जाएगा एस टी, इसके लिए हमने लिख दिया जीरो। अब ये जीरो क्यों आया, क्योंकि ये रियल है, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा कि ये अपने पास रियल क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी के अंदर मोशन नहीं होता, मोशन नहीं होता तो इसका फ्लो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया एस टी इक्वल टू जीरो लिख दिया, ये ट्रांसमिटेड के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके लिए, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके लिए, अपने पास जो इंसिडेंट पार्ट है, रिफ्लेक्टेड है और जो ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट है, इनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने उधर से लिख लिया होगा, वो वाला इरेज कर देते हैं। Now reflected coefficient, reflected coefficient, ठीक है। reflected coefficient में क्या हो जाएगा, अपने पास जो incident और reflected part है, इन दोनों का हम यहाँ पे ratio ले लेंगे। तो R equal to हमने यहाँ पे क्या लिखा, S reflected और S I incident, ठीक है। S reflected की value क्या है, अपने पास S reflected की value ये रही, और SI incident की value ये रही, मतलब SR का मतलब क्या है, probability current density for reflected part, ठीक है, और SI का मतलब क्या है, probability current density for incident part। SR की जो value हो वो क्या है, हमने पास expect k by m और b के mode का square divide by s, incident की value क्या है, expect k by m और a के mode का स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा बी बाय ए और इसके मोड का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है उसके लिए आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ किसके लिए, ट्रांसमिटेड कोफिशियंट के लिए, जो ट्रांसमिशन कोफिशियंट है उसके लिए बात करूँ, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रांसमिशन कोफिशियंट के लिए आएगा, ट्रांसमिशन कोफिशियंट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए हमने किसे डिनोट किया, टी से डिनोट किया, और ये आ जाएगा एस टी डिवाइड बाय एस इंसिडेंट। एस टी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ट्रांसमिटेड पार्ट, और एस आई का मतलब क्या है,
सॉरी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट पार्ट, ठीक है। एस टी की वैल्यू कितना हमारे पास जीरो है, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन कोफिशियंट है वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ट्रांसमिशन कोफिशियंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कोई भी पार्टिकल ट्रांसमिट होकर रीजन सेकंड के अंदर नहीं आएगा, अपने को यहाँ पे ओनली रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं फिजिकली समझू तो फिजिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे मान लिया मेरे पास एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार के ऊपर मैंने बोल लिया, बोल को मारा, अगर दीवार की हाइट इनफाइनाइट है तो बोल क्या होगा, बोल जाएगी उस दीवार से टकराएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी वापिस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, पोटेंशियल की जो हाइट है वो ज्यादा है, पार्टिकल की एनर्जी क्या है कम है, तो पार्टिकल जाएगा इससे टकराएगा, टकरा के वापिस उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी सॉरी हाँ इस वाले को इरेज कर देते हैं, तो वी नो दैट अपने पास जो रिफ्लेक्टेड कोफिशियंट और जो ट्रांसमिटेड कोफिशियंट इनका सम कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। t इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया, तो r इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपने को मिल जाएगा। अब बात बड़ी सिंपल सी है, इधर से पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो दो प्रोबेबिलिटी है अपने पास, पहला तो पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, सेकंड ट्रांसमिट करके इधर आ जाएगा। अगर मैं दोनों प्रोबेबिलिटी को सम कर दूं, सम कर दूं, तो अपने को कितना मिलेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगा, या तो क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा या फिर क्या होगा ट्रांसमिशन होगा, और ट्रांसमिशन हमने यहाँ भी निकाल लिया कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो कितना आ जाएगा रिफ्लेक्शन अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मीन्स कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, कंप्लीटली पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके वापिस चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, सेकंड वेव फंक्शन की, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, साई सेकंड इक्वल टू डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। अब अगर मैं ये क्या है अपने पास सेकंड रीजन का वेव फंक्शन है, अब अगर मैं सेकंड रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालू तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, इसके मोल का स्क्वायर कर दूंगा, तो मैंने बोला पी सेकंड प्रोबेबिलिटी इन सेकंड रीजन, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन सेकंड रीजन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, साई के मोड का, साई सेकंड के मोड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर ए की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये फॉर्मूला अपने को क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला अपने को ये कह रहा है कि पार्टिकल के सेकंड रीजन में मिलने की कुछ ना कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, पर यहाँ पे तो हमने देखा कि पार्टिकल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में क्या है, फेल है। क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलती है कि पार्टिकल कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, पर क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि पार्टिकल के सेकंड रीजन में मिलने की कुछ ना कुछ क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब इसको अगर थोड़ा सा फिजिकली समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, आई होप आपने टनलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, क्लासिकली भी बात करते हैं और क्वांटम मैकेनिकली भी बात करते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये पोटेंशियल है, ठीक है, या फिर मेरे पास एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये मेरे पास एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस दीवार को जंप करके सेकंड रीजन में चला जाए, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है कि पार्टिकल रीजन फर्स्ट से रीजन सेकंड के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि जो पार्टिकल की एनर्जी है, पार्टिकल की एनर्जी है वो इस पोटेंशियल से क्या है, कम है, ठीक है। पर क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलती है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी इतनी नहीं है तो पार्टिकल इसको टनल करके आ सकता है, पार्टिकल इस पोटेंशियल को टनल करके इस तरफ रीजन सेकंड के अंदर आ सकता है, जिसको हम टनलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें आगे फिजिकली, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुछ लाइंस हैं जो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो काफी यूजफुल रहेंगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, इसको मिटा ही देता हूं मैं यहां से, आई होप आपने उतार लिया होगा। सो
सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल देन टोटल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू कितना है अपने पास 1 है और ट्रांसमिशन टी इक्वल टू कितना है अपने पास 0 आया है, ठीक है। और 0 आने का मतलब क्या है, नो ट्रांसमिशन ठीक है। बट देर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बट देर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन रीजन सेकंड, ठीक है। और वो प्रोबेबिलिटी हमें कितना निकाली है, यहाँ पे ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें निकाली है, ठीक है, तो ये आ जाएगा p सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन सेकंड रीजन साइन के मॉड का स्क्वायर किया तो अपने को क्या मिला, ये मिला d का स्क्वायर e की पावर माइनस 2 अल्फा x, ये प्रोबेबिलिटी अपने को सेकंड रीजन के अंदर मिलेगी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स no probability of finding particle in region second. So, this concept cannot explain using classical mechanics, ठीक है। आप इसमें एक बार नोट कर लीजिए, बाउंड्री कंडीशन का यूज करके और हमने ये जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाला था, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या निकाला था हमने, बी बाय ए, हम बी की और इस ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम साफ कर लेते हैं, इसका तो हम यूज करेंगे, ये तो ऐसे किस रहने चाहिए, यहाँ पे क्या था a की पावर iota kx, इस नीचे वाले को साफ कर लेते हैं, करेंगे किसका, बाउंड्री कंडीशन का। और बाउंड्री कंडीशन क्या है अपने पास, बाउंड्री कंडीशन है कि जो साई फर्स्ट है, वेव फंक्शन फर्स्ट है, वो x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे किसकी इक्वल है, साई सेकंड के इक्वल है, ठीक है, x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट वेव फंक्शन है, फर्स्ट वेव फंक्शन रीजन फर्स्ट के अंदर है, सेकंड वेव फंक्शन साई सेकंड रीजन सेकंड में है। अब ये दोनों वेव फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर इक्वल होंगे, इस पॉइंट के ऊपर जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये दोनों वेव फंक्शन क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, साथ में इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, कर ली साई 1 बाय कर ली x, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे इक्वल होगा किसके, कर ली साई सेकंड के और कर ली x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू रखता हूं, ठीक है, साई इंसिडेंट में क्या था अपने पास, साई इंसिडेंट में था a प्लस बी,
ठीक है, जो वेव फंक्शन था यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या था बी, स्केटर्ड पार्ट में अपने को क्या मिल रहा था, स्केटर्ड पार्ट में सी की वैल्यू तो अपने पास जीरो आई थी, क्या मिल रहा था डी मिल रहा था, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया डी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर कैपिटल ए। अब इनका डेरिवेटिव अगर मैं करके लिखूं, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए और ए आएगा के, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस आगे आ जाएगा और आइटा के बी, और जो डी वाला है जो रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है वो क्या था अपने पास साई सेकंड इक्वल टू डी ए की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा माइनस अल्फा डी, ये अपने को मिल जाएगा, अल्फा को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, और आयटा के इन दोनों में है तो आयटा के भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आयटा के को तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डी माइनस बी, और इस अल्फा को उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर ए और बी है मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होने के बाद अपने को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ऐड कर रहा हूं दोनों को तो यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी, ठीक है, इक्वेशन बी क्या अपने पास आयटा के अल्फा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ए आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्या आ जाएगा आयटा के अल्फा और साथ में बी, ठीक है, और ये यहाँ से हटा देता हूँ, और इसमें से ए कॉमन निकाल देता हूँ, ए कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा वन, ए को तो मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कितना बचेगा वन बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस आयटा के अल्फा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से क्या करता हूँ इसमें से बी कॉमन निकाल देता हूँ, बी कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा वन, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस आइटा के अल्फा, ये बचेगा इक्वल टू क्या हमारे पास जीरो, क्योंकि डी से डी क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ ये वाली जो टर्म है इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चला जाता हूँ, इधर किसमें है प्लस में, उधर जाके किसमें हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, आई होप आपने ये उतार लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास a और 1 प्लस अल्फा सॉरी आयटा के बाय अल्फा इक्वल टू ये उधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस b 1 माइनस आयटा के बाय अल्फा ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं बोथ साइड, अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा ये अल्फा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अपने को अल्फा मिल जाएगा, यहाँ पे भी अपने को अल्फा मिल जाएगा और ये अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पूरी इक्वेशन को अल्फा से क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद अपने को ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन अपने को मिली है मैं इसको एक टाइप से लिख लेता हूँ और लिखने के बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने लिखा पहले ये वाला पार्ट माइनस बीटा इसकी माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई करवाई और अंदर क्या अपने पास इसको मैंने लिखा आयटा के और एक सेकेंड आयटा अल्फा प्लस के, ठीक है, इक्वल टू आयटा ए और के माइनस आयटा अल्फा, ठीक है। अब अगर मैं इस आयटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आयटा स्क्वायर, माइनस आयटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आयटा स्क्वायर आ जाएगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है माइनस वन, माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वापिस अपने को कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे इस आयटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या जाएगा आयटा के मिल जाएगा अपने को, ठीक है, और ये वाली किसकी आ जाएगी प्लस की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, एक सेकेंड -1
ओनली साइन में कहीं ना कहीं दिक्कत है, यहाँ भी ओनली आइटा, ठीक है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम यहाँ पे b बाय a कर लेते हैं, तो ये क्या जाएगा, एक बार लिख देता हूँ, b बाय a इक्वल टू k माइनस आइटा अल्फा और k प्लस आइटा अल्फा। इस b को यही रखता हूँ, बाकी पैरामीटर को उठा के उस तरफ लेके जाता हूँ, इसको उठा के उस तरफ लेके चला जाता हूँ, ठीक है। इसको उठा के इधर लेके आता हूँ, a को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा, तो अपने पास ये b by a की वैल्यू अपने को ये देखने को मिल जाएगी। अब ये जो b by a की वैल्यू हमने निकाली है, इसको कहाँ पे पुट करेंगे, ये हमने जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाले हैं यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, ये मिल जाएगी r इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है अपने पास b by a, और इसके मोड का स्क्वायर, तो इसके भी मोड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये k का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को, ये 1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है r इक्वल टू कितना है 1 है, और जो t इक्वल टू है वो कितना हम निकाला था, हमें 0 निकाला था, ठीक है। अब अगर मेरे को b by a की वैल्यू निकालनी है, ये जो b by a की वैल्यू है इसमें मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू हम दोनों जगह पुट कर सकते हैं, k की वैल्यू भी हम चाहे तो पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू हमने कहाँ पे निकाली थी, जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने क्या लिखा था, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या था प्लस 2m बाय एच का स्क्वायर, यहाँ पे ए था। इस कंप्लीट पैरामीटर को हमने क्या पुट किया था, इसको हमने पुट किया था k स्क्वायर, ठीक है। और k की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 2m e by h cut square under the root, ठीक है। k की वैल्यू तो हमने यहां से निकाली थी, जो अल्फा की वैल्यू हो, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, वो आई थी 2m by h cut square v naught minus e, ठीक है। ये किसकी वैल्यू थी अपने पास, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू थी, अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट पे रूट आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यू की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूँ, इस रिजल्ट को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये वाली जो टर्म, इसको एक बार साफ कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं हम यहाँ पे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b by a इक्वल टू 1 माइनस आइटा अल्फा बाय के और 1 प्लस आइटा अल्फा बाय के, ये वाली वैल्यू अपने को मिल जाएगी। अगर इसमें से k कॉमन निकाल लूं, ऊपर नीचे से k कैंसिल हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास, अल्फा की वैल्यू ये है, k की वैल्यू क्या है अपने पास, ये वाली है। दोनों वैल्यू उठा के कहां पे पुट करूंगा मैं, यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट करने के बाद अपने पास जो वैल्यू मिलेगी अल्फा बाय के की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैं डायरेक्टली से पुट कर देता हूँ, आप एक एक करके पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को जो b बाय a की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, b बाय a इक्वल टू मिलेगा अपने को 1 माइनस आइटा अंडर द रूट v नॉट बाय e, ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 1 प्लस आइटा और अंडर द रूट v नॉट बाय e और माइनस 1, ठीक है। ये अपने को b बाय a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था अपने पास फर्स्ट केस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।